हेलो दोस्तों, हाय। मालती सिंह यूट्यूब चैनल में आप लोग को स्वागत है दोस्तों। और कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। और मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों, अभी सावन का महीना हो गया है दोस्तों। और कौन कौन सावन मानते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं भी सावन मान रही हूँ। और दोस्तों, आज सावन का पहला सोमवार है। आज सावन का पहला सोमवार में बारिश हो रहा है इधर तो। और आप लोग के तरफ बारिश हो रहा है कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी सावन का महीना है, उसके बाद भादों का महीना आ जाएगा दोस्तों। तो गांव सब में जिसका जिसका खेत है, सब कोई रोपा रोपते हैं बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों, रोपा रोपने के लिए बहुत अच्छा लगता है। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है रोपा रोपने के लिए। अभी तो रोपा रोपना स्टार्ट हो गया होगा। और जिसका जिसका धान नहीं हुआ है, हम लोग तो बीड़ा बोलते हैं उसको, तो बीड़ा जिसका नहीं हुआ है वो तो कैसे रोपा रोपेगा। और बारिश भी तो इतना ज़्यादा नहीं आ रहा है कि मैंने सबका बीड़ा होगा। तो अभी किसी किसी का हो गया है रोपा रोपने जैसा धान, और किसी किसी का नहीं हुआ है। तो मैं भी गांव से ही बिलोंग करती हूँ, तो मुझे भी मालूम है कि रोपा रोपना बहुत मज़ा आता है दोस्तों। और हम लोग तो गांव में जब रोपा रोपते हैं, तब हम लोग का फर्स्ट पूजा किया जाता है। जो घर का मुखिया रहते हैं, जैसे मेरा मामी, वो पहले रोपा रोपते हैं, फिर पूजा करते हैं, उसके बाद ही रोपा रोपते हैं। उसके बाद और बाकी जितना रहते हैं सब साथ में रोपा रोपते हैं। तो दोस्तों, और हम लोग का गांव में जो होता है बहुत सुंदर लगता है रोपा रोपना। हम लोग का गांव में होता है, जहाँ जैसे हम लोग का घर में रोपा रोपेंगे ना, तो हम लोग उनको खाना पीना सब बना के देना पड़ता है। फिर चाहे तो चिकन उकन भी होता है दोस्तों। और क्या बोलते हैं, गांव में तो हाँड़ी चलता है, राइस भी यार, और दारू भी चलता है गांव में महुआ का। हेलो दोस्तों, हाय गाइस। तो दोस्तों, आप लोग भी कैसे आप लोग का गांव में रीति रिवाज रोपा का करते हैं? तो हम जैसे बताए वैसे ही करते हैं या अलग से करते हैं दोस्तों? तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम लोग का गांव का रीति रिवाज कैसा होता है, मैंने तो आपको थोड़ा बहुत बता दिया। तो दोस्तों, हम लोग का जो खेत है, वो वहाँ पर धान अगर बुनते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा घास होता है दोस्तों। तो डबल खर्चा हो जाता है, बहुत ज़्यादा धान को बढ़ने नहीं देता है घास, इतना ज़्यादा घास होता है। इसीलिए हर साल हम लोग का रोपा रोपते हैं हम लोग का खेत में। तो खेत में रोपा रोपते हैं तो फिर भी घास होता है दोस्तों। फिर घास को फिर बीजते हैं रोपने के बाद भी। बैगन कौन है रे? बैगन। तो दोस्तों, बैठो चुपचाप। ये है बच्चा पट्टी। बच्चा पट्टी नहीं है। आ बाबुआ। तो दोस्तों, आना, ये भी बच्चा पट्टी है।
ये बड़ा पट्टी नहीं है, बच्चा पट्टी है। हाँ बड़ा पट्टी सच्ची बड़ा पट्टी बड़ा पट्टी गिरबो रे गिरबो तो दोस्तों हम लोग का जो रोपा रोपने का रीति रिवाज में आप लोग को बता रही थी मारी दे बीवी ने बदमाश मत करो रे ये तोले नहीं हुआ रे ताकु जोर दो रे ये दोनों कितना कैसे मारा मारी हो रहा ये गोनी मके तंग नी करो ना है यार जाओ खेल बो है यार जा आराम से खेलो है यार। तो दोस्तों हम लोग का जो रीति रिवाज है रोपा का मैंने सब कुछ आप लोग को बता दिया है और सावन का फर्स्ट सोमवार है दोस्तों। तो आप लोग कैसे मनाएं कहां कहां किए थे कौन सा मंदिर किए थे वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोगों को मेरे तरफ से दिल से हर हर महादेव। तो दोस्तों मैं ये बोल रही थी कि मैंने तो यही पर हम लोग रहते हैं वहीं पर सामने में जो मंदिर है मैंने वहीं पर गई थी और वहीं पर पूजा की। तो दोस्तों तो आप लोग दोस्तों कमेंट में जरूर बता सकते हैं कि सावन का महीना कौन कौन मानता है और एक बार सब लोगों को हर हर महादेव दोस्तों। तो दोस्तों ये गांव वाला कहानी जो हम बताए आपको और रोपा वाला कहानी जो बताए हम लोग का गांव में रीति रिवाज ऐसा किया जाता है और जो गांव में होते हैं जिनको हम भाभी बोलते हैं जो हम लोग का सादरी भाषा में जैसे भौजी बोलते हैं हम लोग भाभी को जैसे कि हम लोग का नानी हो गया जैसे आप लोग दादी बोलते हैं नानी बोलते हैं तो वो लोग जब रोपा रोपते हैं हम लोग तो वो लोग मजाक से हम लोग को कादों से हम लोग को मांगते हैं तो बहुत अच्छा लगता है गांव में ऐसे रोपा में दोस्तों। तो आप लोग भी कैसे करते हैं जो जो मेरा वीडियो देखेंगे तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताएंगे कि आप लोग का गांव में रीति रिवाज कैसे कर किया जाता है रोपा का वो भी बताएंगे और सावन का महीना में जो फर्स्ट सोमवार है आज तो आप लोग कौन कौन मंदिर गए हैं कहाँ कहाँ गए हैं और कैसा लगा फर्स्ट सोमवार वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों बस आज का ब्लॉग में बस इतना ही। बाय बाय वंदे मातरम।